सो गाइस, तो चलो एक बार इसको टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बाकी बैठ के तो मुझे बहुत ही अच्छा फील आ रही है। ओहो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे टोटो वाला ने ठोक दिया है। ये है G900, इसका लुक देखो और उसका लुक देखो, सेम ही है। ये 1000cc लग रही है दिखने में, और ये तो आप लोगों को पता है। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी को मेरा आज के एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, तो देख सकते हो आज का वीडियो सीधा G900 से स्टार्ट हो रही है। अभी हम लोग जा रहा हूँ एक बाइक देखने के लिए। तो आप लोगों को प्रीवियस वाले वीडियो पे दिखाया था मैं एक बाइक लेने वाला था। आप लोग सभी कमेंट किए हो कि मुझे ड्यूक 390 लेने के सजेस्ट किए हो। तो मैं जो बाइक देखने जा रहा हूँ गाइस, वो है अपाची की RTR 310। मेरे एक दोस्त ने खरीदा है रिसेंटली, तो वो वाला बाइक एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखने जाना है हम लोगों को। और बाकी आप लोगों की पसंद की तो मुझे बाइक लेना ही है। वो वाला आप लोगों को बाइक दिखाऊंगा, रिव्यू दूंगा छोटा मोटा, कैसा है कैसा नहीं है आप लोगों को दिखाऊंगा बताऊंगा। तो आप लोग जो कमेंट करोगे वही मैं लेने का कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ गाइस आप लोग सभी ड्यूक 390 का फैन हो, सभी ड्यूक 390 ही मुझे बोला है लेने के। तो एक बार फिर भी देख लेता हूँ वो बाइक टेस्ट ड्राइव लेके कैसा है कैसा नहीं है। अभी हम लोग इस टाइप के लोकेशन पे बहुत दिनों बाद आया हूँ गाइस। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, स्किप मत करना, बहुत मजा आने वाले वीडियो में। तो यहाँ से गाइस यू टर्न लेने आए। आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत सारा प्यार दिखा रहे हो, इंस्टाग्राम पे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस कि आप लोग इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा हम लोगों को रिस्पांस दे रही हो। तो थैंक यू सो मच गाइस इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और मेरा 1000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट होने वाला है। सो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फोटोज़ वगैरह क्लिक किया, आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। और मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे चुका हूँ, तो वहाँ पे जाओ और जल्दी से फॉलो कर दो जो लोग अभी भी फॉलो नहीं किए हो। और वहाँ पे बहुत सारा रील्स भी आने वाले हैं, फोटोज़ भी आने वाले हैं। तो चलो गाइस, अभी चलता हूँ 310 को देखने के लिए। सो गाइस, तो वहाँ से अभी हम लोग निकाल चुके हैं, फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह बहुत सारे क्लिक किए हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ पे जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे और इसका आप लोग मजा लो गाइस। बहुत सारा यूट्यूब पे भी प्यार दिखा रहे हो, तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, बहुत मजा आ रहा है, मोटिवेशन मिलती है दिल से। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, बहुत जल्द मेरा बाइक भी आने वाले हैं। अभी तो हम लोग आप लोगों को दिखाऊंगा अपाची की RTR 310। तो वो वाला लॉन्च हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया लुक किया है उसका, फेस बहुत ही बढ़िया लग रही है। सीधा मतलब G1000 आप लोगों ने देखा हुआ है, G1000 का जैसा ही लुक किया है, तो बहुत ही बढ़िया लग रही है। आज मैं उसको रियल में देखना है, मतलब वीडियो में तो देखा हूँ लेकिन आज रियल देखना है और टेस्ट ड्राइव भी लेना है हम लोगों को। तो चलो गाइस आप लोगों को भी दिखाता हूँ और कैसा है कैसा नहीं है। अगर पसंद आएगा तो गाइस जरूर से मैं उसको भी लेने का कोशिश करूँगा। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग अगर कमेंट करोगे तो ही मैं लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। ओहो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे टोटो वाला ने ठोक दिया है, यहाँ पे सीन हो गया गाइस, देख सकते हो। एकदम से रोक लिया था कार वालों ने, तो इसने पीछे से ठोक दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा सीन खराब हो गया, सामने से पूरा क्रैश हो गया गाइस। रिएक्शन दे रहे हो भाई, चलो भाई यहाँ से चलते हैं, पुलिस वगैरह का सीन हो जाएगा नहीं तो।
few moments later. So finally guys, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पची RTR 310 यहाँ पे लगा हुआ है. क्या लुक है यार, भयंकर लुक है यार, बहुत ही बढ़िया लग रही है. और ये 1000cc का लगता है देखने में. और ये है G900, इसका लुक देखो और उसका लुक देखो, सेम ही है. ये 1000cc लग रही है दिखने में. और ये तो आप लोगों को पता है बहुत ही बढ़िया लुक है इसका. और इस बाइक का ये बाइक है, तो एक बार आप लोगों को टेस्ट ड्राइव भी लेके दिखाना है कैसा है कैसा नहीं है. लेकिन मुझे मतलब मैं आंखों से देख रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया लग रही है. आप लोगों को गोपरों से मतलब कैसा फील हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है. एक बार चला के भी देखेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है. बाकी इसका लुक तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है, बहुत ही बढ़िया है. हैंडलिंग वगैरह मस्त है, एक बार आप लोगों को दिखाऊँगा. सो गाइस, तो चलो एक बार इसको टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है. बाकी बैठ के तो मुझे बहुत ही अच्छा फील आ रही है. और अभी ये स्पोर्ट मूड में है, तो चलो देखते हैं. तो चलो गाइस चलते हैं अभी. और ये अभी एक गियर पे है, एक गियर पे कितना चाहते हैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को. चलाने में फील आ रही है भाई. KTM 390 और RTR 310 इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है. बाकी इस भाई ने अभी G900 हाइड कर रही है. तो गाइस यहाँ पे एक गियर पे अभी हूँ, तो देखते हैं इसका एक गियर में कितना चढ़ते हैं. एक गियर पे 50, टू गियर पे 65. थ्री गियर में 100. G900 तो एक गियर में 100 टच करती है यार. और ये थ्री गियर में 100 टच किया, एक गियर में 50 गया था, टू गियर में 65 और थ्री गियर में 100. तो मुझे चला के तो बहुत ही मस्त लगा. तो अभी इसको जिसका बाइक है उसको दे देता हूँ. और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो जरूर से मैं लेने का कोशिश करूँगा. बाकी लुक तो मुझे बहुत ही पसंद आया बहुत. और इसका फीचर वगैरह अभी आप लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, मतलब इस बाइक के मतलब फीचर वगैरह क्या है क्या नहीं है. बाकी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर से प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊँगा. अगर आप लोग बोलोगे ये 310 लो, तो मैं जरूर से ये प्रॉपर तरीके से एक बार आप लोगों को रिव्यू दे दूंगा. बाकी अभी इसका काम है तो इसको अभी दे देता हूँ उसका बाइक. तो अभी हम लोग चलते हैं. तो चलो गाइस चलते हैं अभी. सो गाइस यहाँ पे ढेर सारा रील्स वगैरह हम लोग शूट किया, तो आप लोग जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो. और अभी हम लोग RR 310 पे हूँ जैसे कि आप लोगों को दिखाया था. तो अभी हम लोग चलते हैं घर पे. और ये बाइक मुझे चला के बहुत ही अच्छा लगा. आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर से इसको उठाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो. गाइज तो अभी चलता हूँ घर पे. आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होंगे. अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट यार जरूर से कर देना गाइज, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अभी टाइम पे. तो गाइज सपोर्ट कर दो, शेयर वगैरह कर दो. आप लोगों के जितने भी अपने रिश्तेदार हैं सबके शेयर कर दो मेरा वीडियो. बाय गाइज बाय. अरे यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया है. इस जगह पे हमेशा ही एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है. तो चलो गाइस चलता हूँ.